वेलकम टू यूट्यूब चैनल दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं डिज़ाइनर वी फ्रॉम ओल्ड नाइटवेयर। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें इसकी जो नेक पैटर्न है इसे यहाँ से कट कर लेना है, इस तरीके से यहाँ से रिमूव कर लेंगे, अच्छे से हमें कट कर लेना है। इस तरीके से लेफ्ट और राइट से हमें इसे यहाँ से रिमूव कर लेना है और इस तरीके से लेफ्ट साइड के पैटर्न को भी हम कट कर लेंगे। देखिए हमने इसे कट कर लिया है, जिसे हम नेक पार्ट को डेकोरेट करेंगे फ्रॉक के लिए। और यहाँ पे अब हमें टॉप के लिए मार्किंग करनी है, तो इस तरीके से हमें इसे अरेंज करना है और इसकी डबल फोल्ड वाली जो बॉर्डर है इसे हमें कट कर लेना है यहाँ से और रिमूव कर लेना है। नीचे वाले बॉर्डर को यहाँ से हम कट कर लेंगे, फ्रंट और बैक को यहाँ से हमें रिमूव कर देना है और यहाँ से हमें मार्किंग करनी है टॉप के लिए। तो ये देखिए हमने इसे कट कर लिया है और इसे हमें अरेंज करना है यहाँ पे, अच्छे से अरेंज करेंगे और हमें मार्किंग करनी है टॉप के लिए। तो नीचे बॉर्डर से हमें 23 इंचेस पे मार्क करना है और यहाँ से हमें लाइन ड्रॉ करनी है। तो इस तरीके से वन बाय वन हम 23 इंचेस पे मार्क करेंगे और हमें लाइन ड्रॉ कर लेनी है और हमें इसे कट कर लेना है इस तरीके से। ये देखिए हमने इसे कट कर लिया है, टॉप को हमने कट कर लिया है और यहाँ से जॉइनिंग है, यहाँ से हमें इसे कट कर लेना है और इसे ओपन कर लेना है हमें। फ्रंट और बैक की जो जॉइनिंग है यहाँ से हमें इसे कट कर लेना है इस तरीके से और राइट साइड से भी हमें कट करना है जॉइनिंग है वहाँ से। और फ्रंट और बैक को हम यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। तो इस तरीके से फ्रंट और बैक के लिए हमने दो पार्ट्स यहाँ पे कट कर लिए हैं और एक को अरेंज करना है और दूसरा पार्ट इसके ऊपर हम अरेंज करेंगे और एक पार्ट को हमें टू फोल्ड करना है यहाँ पे। और ये जो हमारा नेक पार्ट की पैटर्न है इसे हमें जॉइंट कर लेना है, एक दूसरे के ऊपर उल्टा रखते हुए हमें सिलाई करनी है। ये देखिए हमने नेक पार्ट के लिए पैटर्न रेडी कर ली है और यहाँ पे हमें इसे टू फोल्ड करना है इस पैटर्न को। और यहाँ पे हम सीधा रखेंगे फोल्ड एरिया को मिलाते हुए और नेक की ब्रॉडनेस हमें मार्क कर लेनी है और यहाँ पे नेक की लेंथ हमें मार्क करनी है 2 इंचेस पे हम मार्क करेंगे और हमें राउंड शेप ड्रॉ करना है इस तरीके का। और यहाँ पे आउटर बॉर्डर को भी हमें मार्क कर लेना है जो हमारा 5 इंचेस है और यहाँ से हम होल लेंगे 5 इंचेस और दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए हमें लाइन ड्रॉ करनी है इस तरीके से। और यहाँ पे चेस्ट का पार्ट हमें लेना है 7 इंचेस और आर्म होल ड्रॉ करेंगे हल्का सा राउंड शेप बनाते हुए। और यहाँ से हमें अप्रोक्सीमेट 10 इंचेस पे मार्क करना है इस तरीके से और लाइन को एक्सटेंड करेंगे हमारी लेंथ तक और हमें इसे कट कर लेना है। तो ये देखिए हमने इसे कट कर लिया है और ये हमारा टॉप का बैक साइड हमने कट कर लिया है, ये हमारा बैक साइड है और इसके ऊपर हमें पैटर्न को अरेंज करना है इस तरीके से। और यहाँ पे पिंक फैब्रिक से हमने एक स्ट्रिप्स कट की है जिसे हम आर्म होल पे उल्टा रखेंगे, नेक पार्ट पे उल्टा रखेंगे और हमें सिलाई करनी है और इसके बाद रॉन्ग साइड पे डबल फोल्ड करते हुए सिलाई कर लेना है यहाँ पे इस तरीके से। और इसके बाद हम यहाँ पे फ्रंट का पार्ट हम रेडी करेंगे, तो टू फोल्ड करना है अच्छे से हमें एक पार्ट को और यहाँ पे मार्किंग करनी है 3 इंचेस पे हम मार्क करेंगे और यहाँ से हमें इस तरीके का राउंड शेप ड्रॉ करना है और यहाँ से
हमें इसे कट कर लेना है और यहाँ से हमें हल्का सा राउंड शेप बनाते हुए फुल एरिया तक हमें लाइन ड्रॉ करनी है और हमें इसे भी कट कर लेना है अप्रोक्सीमेट। तो ये देखिए हमने इसे कट कर लिया है और इसे ओपन करेंगे और यहाँ पे आर्म होल पे हमें स्ट्रिप्स को उल्टा रखना है और हमें सिलाई करनी है। ये देखिए हमने दोनों आर्म होल को हमने रेडी कर लिए हैं और अपर बॉर्डर पे हम बड़े नंबर की सिलाई करेंगे और यहाँ पे हमें गैदरिंग करना है। तो इस तरीके से हमने गैदरिंग करते हुए फ्रंट का पार्ट हमें रेडी कर लिया है और इस पैटर्न को हमें टू फोल्ड करना है अच्छे से और यहाँ पे हम मार्किंग करेंगे अप्रोक्सीमेट और इसके ऊपर हमें सीधा रखना है फ्रंट पार्ट पे नेक पार्ट को मिलाते हुए और ऊपर से हमें सिलाई करनी है। ये देखिए हमने इस तरीके से सिलाई करते हुए फ्रंट पार्ट पे पैटर्न अटैच कर ली है और बैक साइड को हम उल्टा रखेंगे फ्रंट पार्ट पे और दोनों शोल्डर में हमें सिलाई करनी है। ये देखिए हमने दोनों शोल्डर अटैच कर लिए हैं और इसे हमें बैक साइड पर टर्न करना है और फ्रंट और बैक को हमें सिमिलर कर लेना है इसकी लेंथ को। तो अच्छे से हम मार्क करेंगे बैक साइड पे और हमें इसे कट कर लेना है और फ्रंट और बैक को हमें सिमिलर कर लेना है, लेंथ हमें सिमिलर करनी है इस तरीके से एक्स्ट्रा फैब्रिक को रिमूव करते हुए और दोनों पार्ट को रॉन्ग साइड पे टर्न करना है इसकी फिटिंग के लिए। तो अच्छे से मिलाने के बाद दोनों साइड से 1 इंच की डिफरेंस में हमें सिलाई करनी है और टॉप को हमें फिटिंग करना है और नीचे और को भी हम रॉन्ग साइड पे डबल फोल्ड करते हुए सिलाई करेंगे पूरे राउंड में। ये देखिए हमने फ्रॉक को फिटिंग कर लिया है, नीचे और को भी हमने फोल्ड कर लिया है और इसी के साथ ये बेबी टॉप हमारा रेडी है। तो अब तैयार है हमारा डिज़ाइनर बेबी टॉप। दोस्तों अगर आपको डिज़ाइन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ उस बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।